गाइस आज ये लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके लिए। हाँ इसके लिए क्या है तो ये है गार्डन दार्जिलिंग का और यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर। यहाँ पर है हम और ये भाभी जी, आप देख सकते हो इधर फूल कुछ ऐसा है। ये दार्जिलिंग का गार्डन गाइस देखिए कितना प्यारा फूल, और यहाँ पर कुछ बैठने का जगह देखिए बैठी हुई है। फिर एक बार चलो एक फोटो भी ले लेते हैं। तो ये है गार्डन दार्जिलिंग का और यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है। आइए दिखाते हैं गाइस फ्लावर्स। और ये फूल देखिए कितना मस्त है, इसका नाम क्या है हमें पता नहीं लेकिन बहुत प्यारा फूल है। और ये देखिए आधुनिक साइकिल, मालूम है ये डस्टबिन का साइकिल रहेगा शायद। और यहाँ पर कुछ लेक टाइप का है लेकिन ये गंदा होती है, इसको साफ करना चाहिए, साफ करके अच्छा वाला पानी है ना। तो यहाँ पर देखते हैं भोले बाबा का मंदिर पे। भाभी जी तो बहुत जल्दी जल्दी चल पा रही है, अच्छा तो आदत है बोल रही है गाइस। यहाँ पर मैं देखिए और मंदिर के आरंभ में ही यहाँ पर हमारे कौन से भगवान की मूर्ति है देखते हैं। अभी तो बंद है तो अभी बाहर से देखेंगे। तो ये हमारी माता रानी का है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे भोले बाबा विराजमान है माता पार्वती के साथ, और गणेश जी भी है। तो ये है कुछ ऐसा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जगह तो काफ़ी मस्त है। मैं इससे पहले भी दार्जिलिंग आया था लेकिन वो टाइम को समय की पाबंदी होते हुए। तो यहाँ पर है हमारे गणेश महाराज जी, जय श्री गणेश। और ये कितना प्यारा सुंदर फूल। और यहाँ पर भाभी जी टांग खुजाते हुए, शर्म भी नहीं है। इधर देखो ब्लॉग पे वीडियो कर रही है उसको मालूम है तो भी टांग खुजा के दिखा रही है गाइस। थोड़ा कॉमन सेंस आप लोग सिखाइए भाभी जी को, बच्चे की जैसी है। तो चले आपको हम बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पर पहुँचे थे कल दोपहर को 3 बजे के पास। तो कल का दिन दार्जिलिंग क्लोज था तो इसके लिए हम कुछ शॉपिंग नहीं कर पाए। तो आज दोपहर को हम जा रहे हैं भाभी जी के गांव, गांव का नाम है कोलबुंग। तो यहाँ से ऑलमोस्ट और 3 घंटा का रास्ता है तो वहाँ पर जाएंगे। फिर पहुँचा तो शायद कुछ वीडियो यही ब्लॉग पर आ जाएगा, उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ब्लॉग अब फुल देखिए तो दार्जिलिंग और दार्जिलिंग का बाहर का जो जगह है नज़ारा है वो सब आपको देखने को मिलेगा। और ये था बड़ा एग्जिट रास्ता था, तो यहाँ से है एग्जिट तो हम यहीं से निकल जाएंगे। इतना लॉन्ग घूमने का क्या जरूरत है ना। तो देखिए भाभी जी, तो भाभी जी का ड्रेस कैसा लग रहा है आप बताइए ज़रा। ये वाला जो कुर्ती है उन्होंने ख़रीदा था आसाम से, और उसके बाद में ये जैकेट जो आप देख रहे हो ये दार्जिलिंग का है, कल ही शॉपिंग किया। और हैंडबैग क्या है ये भी दार्जिलिंग का है, कल ही शॉपिंग किया। एता ऊपर एटा फोटो लेंगे, एक भाभी जी का फोटो लेंगे। राम राम एता एरा चलो फोटो भी ले लिया। तो वहाँ पर टिकट काउंटर होता है, वो जो गाड़ी दिख रहे हैं उसके पास टिकट काउंटर है। तो पर पर्सन 25 रुपीज़ इसके अंदर आने का, पर पर्सन 25 लिया तो 2 आदमी का 50 रुपीज़। तो अब हमारा हो गया, अब हम निकलेंगे गेट। तो पहले तो इसका जो आगे साइड का बोर्ड है उसको आपको दिखाते हैं। तो देख के हम भी कंफ्यूज हो गए, लगा था कि क्लोज है बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बोर्ड देख के तो हम भी कंफ्यूज हो गए, लगा था बंद है बोल के, बट इन रियलिटी खुला था। तो 9 बजे से ये पार्क ओपन हो जाता है। तो यहाँ से लगता है कुछ कॉलेज उलेज रहेगा आगे। तो ये पार्क का है, ओके।
तो 1:30 का हम निकलेंगे भाभी के गांव, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत वीडियो आपको दिखाएंगे, ठीक है, वीडियो बनाएंगे। और ये देखिए दोनों वहाँ से गाइस, पार्क एंट्री होने का पहले हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। तो हनुमान जी का मूर्ति है और पार्क के आउटसाइड का व्यू कुछ ऐसा है। तो अब हमें जल्दी जल्दी से जाना रहेगा, ठीक है गाइस। ये देखिए इस तरह से कुछ व्यूज है। चलो पार्क का साइन बोर्ड गाइस, तो ये पहाड़ के नीचे जो है सब चाय बागान है और आगे हॉस्टल है बॉयस। यहाँ पर भी कुछ ऐसा पार्क है गाइस, आगे है मेन व्यू। और दार्जिलिंग पे आओगे तो चलना सीख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा वॉकेबल ही है, गाड़ी कुछ वॉक के लिए यूज नहीं होता है। अगर आप पर्सनल लेंगे बोलने से वो बात अलग है, अदरवाइज आपको पे करना रहेगा। तो ऐसा है, बट वॉकिंग में आप क्या अच्छा से देख सकते हो, हरियाली को फील कर सकते हो। तो हम लोग ये साइड से आए थे, अभी ये साइड से जाएंगे, इधर इधर से जाएंगे, इतना बड़ा जान देना, अरे इधर से जू रास्ता है, इधर से हम जू नहीं आगे मेन रोड में जाएंगे, चाऊ रोड बोलते हैं, टाइम की कमी है। तो ये यहाँ का राजभवन है जहाँ पर गवर्नर रहते हैं, कोई महान आदमी है, नाम क्या है आप लोग देख सकते हैं, कोई महान पुरुष है, आगे का है ऐसा। स्वामी प्रभुनंदा जी, अच्छा यहाँ पर भी आए थे, अच्छा कुछ डिटेल है, कता बार जाने ये लो। ओ लो जाम न तैयार, देख रहे हैं ये गवर्नर हाउस का कंपाउंड है गाइस। आपको बता दो, हम गवर्नर हाउस का वीडियो कर रहे थे तो वहाँ का सिक्योरिटी ने हमें रोक दिया वीडियो बनाने में। बढ़ते हैं अब, प्रीमियम होटल है दार्जिलिंग के, अगर आप यहाँ पर रूम लेंगे तो कंचनजंगा का व्यू देखने को मिलेगा। बट अभी तो पूरा फॉग हो के तो कंचनजंगा का व्यूज दिखाई नहीं देगा। लोकल जिम सेंटर यहाँ पर है, कुछ आप देख सकते हो, कुछ सेंट्रल स्कूल फॉर टिबेटन है, टिबेटन लोगों का स्कूल रहेगा शायद। वॉक करते करते हम पहुंच चुके हैं अब महाकाल के मंदिर के पास। अभी तक यहाँ का बाज़ार ओपन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पूरा बाज़ार ओपन होता है। तो वो जो आप देख रहे हो वो है महाकाल का मंदिर, उससे ऊपर जाना पड़ता है मंदिर के लिए, तो वो रास्ता है, वो गेट है एंट्री गेट। और यहाँ पर है हम, कुछ ऐसा हाल हो चुका है वॉक करते करते, यहाँ पर भाभी जी है जो कि बोल रही थी पेट दर्द हो रहा है। तो ये देखिए ऊपर ये पेड़ देखिए कितना बड़ा है, देखिएगा इस पेड़ पॉइंट जो रास्ता का, आगे दिखाते हैं वीडियो। यहाँ पर चाय बिकता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर शायद कुछ कंसर्ट होता है, यहाँ पर कुछ कंसर्ट होता है शायद, फोटो पॉइंट भी है। तो यही है मेन पॉइंट, यहाँ पर सभी टूरिस्ट लोग आके बैठते हैं और व्यू का एंजॉयमेंट लेते हैं, ये देख सकते हो। गर्मी के समय भी इतना ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हो बहुत टूरिस्ट है गर्मी के समय भी। और वो देखिए घोड़ा गाड़ी पे है, क्या घोड़ा गाड़ी में घूमते हो तीन बस नू देना। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कुछ नाश्ता करने का जगह, देखते हैं कोई सस्ता मस्ता मिलता है तो नाश्ता करेंगे बैठ के। ये था कुंज, बहुत बाजार लोग खुला ही नहीं है गाइस, बहुत बाजार अभी भी ओपन है गाइस। यहाँ पर हमने कुछ खाना खाया और ये कुछ होटल कैसा है लुक,
गाइस तो यहाँ पर भाभी के लिए कुछ हम गोल्ड का सामान लेने जा रहे हैं आगे शॉप पे, वो शॉप पे लेंगे। गाइस ये जो राज ज्वेलर देख रहे हो वहीं से शॉपिंग किया। गाइस रास्ते में वीडियो बना नहीं पाया हूँ तो फाइनली भाभी जी का घर आ चुका हूँ मैं, और ये कुछ ऐसा है व्यू भाभी जी का घर से। गाइस जैसे कि ये आप सुंदर वादियाँ देख रहे हो हरी भरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मक्का का खेती, मक्का का खेत पहाड़ी इलाके में ऐसा ही होता है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर लगता है स्क्वॉश, जैसे गाइस लौकी लगता है उसी तरह से स्क्वॉश उगाया जाता है। और वहाँ पर है गाय का ग्वाली, हम लोग तो ग्वाली बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, तो कुछ इस तरह का नज़ारा है। और आपको दिखाते हैं तो पहाड़ है, पहाड़ में भी घर बसा हुआ है गाइस, तो ऊपर पे है भाभी जी का घर, आप लोग देख सकते हो। पहाड़ इलाका का रास्ता, और यहाँ पर है हमारी गाँव माता, हमें देख रही है, ये बंदा क्या कर रहा है बोल के देख रही है गाँव माता। हाय हेलो गाँव माता, कैसे हो? हेलो गाँव माता, देखिए गाइस गाँव माता हमारे पीछे है। हेलो गाँव माता कैसी हो? ये गाँव माता की बच्ची, इसका नाम होगा मीना, इस गाँव माता का नाम हम रख देंगे, आज क्या रखेंगे गाइस, ये भाभी जी का गाँव माता है। और गाँव माता के यहाँ पर पट्टी देखे, डॉक्टर वाले कुछ इस तरह पट्टी लगा देते हैं, ये किस लिए लगाते हैं इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं थे। और ये देखिए क्यूट सा बच्चा, ये तुम्हारा नाम हम क्या रख देंगे बताओ, तुम्हारा हम नाम रख देंगे, बच्ची है ना बच्चा है देखते हैं, ये लड़की का ही है तो इसका नाम हम रख देंगे शीतल, तो ठीक है शीतल मीना, और गौ माता का हम नाम रख देते हैं रेणुका, ठीक है। यहाँ से तो कुछ इस तरह का पहाड़ आप देख सकते हो, पहाड़ का रास्ता यहाँ पर है, इस तरह का रहता है। यहाँ पर ऊपर है हमारे भाभी जी के पड़ोसी का घर ऊपर, तो यहाँ पर ऐसा है। और आपको भाभी जी का घर दिखाते हैं ठीक है गाइस, और यहाँ पर आपको भाभी जी का घर आगे है, तो ये कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर हमारे दीदी जी, रास्ता तो इस तरह से देखे है, तो वो ऊपर है दिख रहा है, और किचन है, रास्ता कुछ ऐसा है, तो देखिए ऐसा, तो ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पर है। देखिए गाइस ये है बंदा गोभी केवेज, केवेज का खेत बगीचा, यहाँ पर कुछ लग रहा है, लगता है ये फूल को भी करेगा ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं मैं तो भूल गया, लौकी, लौकी करेगा। माता श्री उधर घास सफा कर रही है, बकरे को घास दे रही है माता श्री। ये है आम का पेड़, अमरूद, रास्ता कुछ ऐसा है, इसके ऊपर जाना है, चलो ऊपर चलेंगे, चलो बहुत कठिन है देखिए किसा खड़ा रास्ता, चलो चलो। हाय कर दियो, ऐसा करो ऐसा हाय। तो ये कुछ फ्लावर्स, ये हमारे साली जी, साली के लिए साला देख दीजिए देखिए यहाँ पर काम कर रहे हैं बाबा जी, हाय कर दिनो बाबा, ये तो हाय हजुर हजुर। गाँव का फ्रेश बंदा गोभी केबेज, और ये गाय के लिए खोले, वाह देखिए कितना फ्रेश बंदा गोभी, दो निकल गया, और इससे बनेगा आज मोमो। मोमो के लिए बंदा गोभी केबेज निकल के अब आए हैं साली जी के पास, ये काट रहे हैं। गाय के लिए घास, शकल दिखाने के लिए हम आगे जाएंगे, साला भाई जी यहाँ पर फुल काम में बिजी है, हम है ब्लॉग बनाने में बिजी, अली कटी हटी दिन रास्ता भाई, वीडियो कटी दिन ना, रास्ता बहुत खतरनाक है, अगर आप प्लेन में बैठते हो तो गिर जाओगे। देखिए साली जी क्या क्या बड़बड़ा रही है, तो ये हमारा ये इसका से गाइस, आप लौकी का खेत है बोल के गलत नहीं समझना, ये गाय के लिए घास, यहाँ पर ऐसा टोकरी यूज करता है।
जी देख रहे हो, ये घास काट रही है, आपने समझना अनपढ़ है बोल के। सी इज बी एड स्टूडेंट, तो वो बहुत ही पढ़ाकू लड़की है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए क्या है, थोड़ा घर में हेल्प कर दे रही है। तो इस तरह से आप देखिए, तो यहाँ पर कुछ पहाड़ का नज़ारा लो, तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। ऐसे नहीं करता है वो, छोटे छोटे ये तो धार कम है, थोड़ा धार वाला दो, ये काम फर्स्ट टाइम अभी कैसा है वो, सॉरी। तो ये देखिए, इसे बोलते हैं हसिया, इसे ऐसा सिक्कल बोलते हैं, सिक्कल हम लोग के उधर बोलते हैं। आप जाएगा ही फिर नहीं जाएगा, ये गांव है, आप बड़ा बड़ा हो, अभी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ऑर्गेनिक है, और ये हमारा जीजा जी ये घास काट रहे हैं गाय, गाय के लिए। तो कैसा काटता है मुझे मालूम नहीं, फर्स्ट टाइम। हाँ आ जाएगा फिर, चॉपिंग बोर्ड लेके काटना पड़ेगा ना। ये क्या चीज है, ये स्क्वैश हो रहा है अभी इधर, मेरा भाई इधर काम कर रहे है। ये गाइस हैबिट नहीं होगा तो ये काम बहुत मुश्किल है, हैबिट वाले के लिए सही है। ऐसा होता है, पहाड़ देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है ना, हरा भरा। देखो गाइस इधर टकला कर दिया हो, इधर दिखा जाओ, अभी हम जा रहे हैं ये हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत करके घास तो कट रहे हैं जी। हाँ काटने का तो साली बहना का कंपटीशन, वो बोल रहे हैं मैं बहुत स्पीड काटती हूँ, देखते हैं कितना स्पीड होता है। हो स्पीड तो है हमारा साली जी, साली के लिए अभी एक कोई देखना पड़ेगा अच्छा वाला, पढ़ा लिखा, और हमारे साली जी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही है, लेकिन अभी तो घास काट के यूपीएससी चल रहा है घास में है, अब समय आएगा अच्छे से बैठ के तैयार करेगी। फाइनली घास कटिंग होके कंप्लीट हो गया, और देखिए हमारे साली जी कैसे बुक रही है। ओ माय गॉड, आजकल के टाइम में भी इतना भारी कोई बुक सकता है, तो जा रही है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। के लिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं, भारत माता की जय।